दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहां पे एक ऐसी चीज़ आप सब लोग को देखने के मिलेगी जिसकी कल्पना आप सब लोग केवल सपनों में ही कर सकते हैं, ख्यालों में ही कर सकते हैं। जी, किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता हुआ चला जा रहा है और किसानों की जो मांग है वो अधिक है। इसके साथ साथ ही किसानों को रहने के लिए बॉर्डर्स पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ चला जा रहा है। और इसी जिम्मेदारी को उठाते हुए खालसा हेड, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सिखों की, उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए मॉल खोल दिया है। जी हाँ, आप सब लोग सही सुन रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया है। इस मॉल की क्या खूबियां हैं, क्या सारी चीज़ें यहां पे मुहैया कराई जाती हैं, इन सभी चीज़ों को मैं देखने के लिए यहां पे आया हूं और आप सब लोग को भी बारीकी से एक एक चीज़ करके इन सभी चीज़ों को दिखाएंगे। आप सब लोग सबसे पहले देख सकते होंगे उस साइड लगा हुआ है कैरी बैग, वहाँ से आप कैरी बैग उठाइए, फिर उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उन सभी चीज़ों को उठा सकते हैं धीरे धीरे एक एक करके। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, सैनिटरी पैड्स, क्योंकि आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को भी यहाँ पे मुहैया करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ टूथब्रश, वॉशिंग ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फ्री सेवा, बाथिंग सॉप। और आगे बढ़ते हैं, इन तरह की सभी चीज़ों की यहाँ पे भरमार है और ये किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई गई है। वॉशिंग शॉप यहाँ पे रखा हुआ है, ऑयल रखे हुए हैं, अब ऑयल में भी कई तरह के ऑयल हैं, इन सभी चीज़ों को आप से देख सकते हैं। यहाँ पे केश कांति ऑयल रखा हुआ है, यहाँ पे चमेली का तेल रखा हुआ है, नीचे रिन साबुन रखा हुआ है, ये सभी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। शैम्पू रखा गया है, वाटिका का शैम्पू है और भी बहुत सारी, आप एक चीज़ और देख सकते होंगे, फायर इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर अचानक बस यहाँ पे आग की कोई घटना हो जाती है या फिर किसी वजह से यहाँ पे आग की ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं उनकी भी सुरक्षा का पूरा यहाँ पे व्यवस्था कराया गया है। पॉन्ड्स क्रीम रखी हुई है, वैसलीन रखी हुई है, इन सभी चीज़ों की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। आगे क्या सारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी चीज़ों को आप सब लोग को विस्तार से समझाते हैं और दिखाते हैं। मफलर्स रखे हुए हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़ों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेल कटर रखी हुई है, आप समझ पा रहे होंगे कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को व्यवस्थित करके यहाँ पर रखा गया है कि लोगों को रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी चीज़ों की लगभग यहाँ पे भरमार रखी हुई है। कंघे रखे हुए हैं और कंघों का आए दिन लोगों को यूज करना रहता है। मोट्रीन, आप देखिए कि यहाँ पे से आप देखिए यहाँ पे मच्छरों की सुरक्षा के लिए मोट्रीन रखा हुआ है, ओडोमॉस रखा हुआ है, अगर किसी को पेट में दिक्कत है, पेट में परेशानी हो रही हो तो उसके लिए इनो रखा हुआ है, अंगोछे रखे हुए हैं यहाँ पे, इसके नीचे देखिए कपड़ों को धुलने के लिए इजी रखा हुआ है, काला हिट रखा हुआ है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे भरमार लगी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पाउडर मिल्क रखा हुआ है क्योंकि जो लिक्विड मिल्क होता है उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना संभव नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे पाउडर मिल्क रखा हुआ है क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ सॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि लोगों को पहनने के लिए सर्दियों में खास करके सॉक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से सॉक्स रखे हुए हैं, कोई भी आए, आम आदमी जो कि किसान है या फिर वैसे भी कोई गरीब दुखिया आदमी है तो आके इन सभी सुविधाओं का वो लाभ ले सकता है। इसके साथ साथ बनियान रखी हुई हैं सफ़ेद कलर की, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, नीचे पैजामे रखे हुए हैं, कुर्ते रखे हुए हैं, जिन किसान भाइयों के कपड़े यहाँ पे मैले हो जा रहे हैं या फिर फट जा रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे व्यवस्था मुहैया कराई गई है। अंडरवियर्स रखी हुई हैं जिन किसान भाइयों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है नहाने के बाद और चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं उनके लिए यहाँ पर अंडरवियर्स की व्यवस्था कराई गई है। पीडीएस रखा हुआ है, ये चीज़ आप सब लोग देखिए, मेडिकल की सुविधाएं भी यहाँ पे बच्चों के लिए खास करके वो मुहैया कराई गई हैं। टॉवल्स रखी गई है, जो भी लोग डेली
ही यूज़ में नहाते हैं या फिर अन्य किसी चीज़ के में प्रयोग लेना चाहते हैं तो टॉवल्स उनके लिए रखी गई है। और भी जो सारी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का मुआयना करते हैं और आप सब लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी सुसज्जित और कितनी संगठित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गर्म बनियान्स रखी हुई हैं यहाँ पर जिसका यूज़ ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और थर्मल्स यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है और 42 साइज 38 साइज तरह तरह के साइज में यहाँ पे रखी हुई हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग साइज होती है और अलग अलग डिमांड होती है तो सबकी सुविधाओं को देखते हुए पूरी व्यवस्था सुसज्जित ढंग से यहाँ पे की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्स हैं, लोइयाँ रखी हुई हैं, ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इन चीज़ों की तो इस वजह से इन सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जूते रखे हुए हैं यहाँ पे, 6 नंबर के जूते हैं, 7 नंबर के जूते हैं, 8 नंबर जूते, 9 नंबर जूते, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे भरमार है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी गई हैं। जितनी तादाद आप टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर इन सभी जगहों पे देख पा रहे होंगे किसानों की, उससे ज़्यादा व्यवस्था इन सभी लोगों की है कि किसी भी तरीके से किसानों को कोई तकलीफ ना हो, उनको कष्ट ना उठाना पड़े, सबको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इधर आप थोड़ा दिखाइए, ये देखिए पीने की ड्रिंक्स रखी हुई हैं, माजा वगैरह रखा हुआ है जिसका आए दिन हम यूज़ में लेते हैं, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं पीने के लिए। इधर दिखाइए थोड़ा सा आप, ये कम्बल्स वगैरह रखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं ठंडियों में, कम्बल रखे हैं इधर और ये रजाइयाँ रखी हुई हैं और भी ये पूरा आप सब लोग देख पा रहे होंगे पूरा भंडार लगा हुआ है। एक लॉन्ग विजुअल लेके दिखाइए पूरा किस तरीके से ये मॉल को पूरे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेहतर तरीके से सभी चीज़ को सुसज्जित कर रहे हैं, सभी चीज़ को संगठित कर रहे हैं और रख रहे हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो पाए। तो ये तो मॉल की एक तस्वीर थी जो आप सब लोग के सामने मैंने रखी, क्योंकि मॉल की जो तस्वीर होती है वो एक इनिशियल पार्ट होता है, मॉल के पीछे होती है गोदाम, गोदाम में सामानों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो कितनी भारी तादाद में इन सब लोग के पास सामान रखे हुए हैं ताकि एक भी किसान निराश होकर यहाँ से ना जाए, उसे आप सब लोग देख पा लोगे किस तरीके से बोरियों में पूरा बिल्कुल जितने सामान हैं रखे हुए हैं और किसी चीज़ की यहाँ पे कमी होने की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हुए आप सब लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कितना ज़्यादा सुसज्जित और व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ों को रखा गया है ताकि किसी भी चीज़ की यहाँ के किसानों को, किसान भाइयों को दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें उन्हें काफ़ी अच्छे से मुहैया करा जा सके। देख पा रहे होंगे लगभग 100 मीटर की लंबी पूरा छॉल बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं। हमारे साथ अमरप्रीत जी हैं, ये यहाँ की पूरी व्यवस्था को समझाएंगे किस तरीके से किसान मॉल में कार्यों को सुसज्जित किया जाता है, कार्यों को कार्यप्रणाली में ढाला जाता है, सभी चीज़ को विस्तार रूप से समझाएंगे। जी सर, देखिए एक किसान मॉल पे अभी हम खड़े हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन खालसा एड है उसकी तरफ से ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया और हमें जो दिक्कतें पिछले दिनों में आ रही थी कि किसी को सामान पहुंच रहा है, किसी को नहीं पहुंच रहा और जो ज़रूरत है किसी को उसको नहीं मिल पा रहा, तो हमने ये एक जो इनिशिएटिव है वो लिया और किसान मॉल सेटअप किया। इसके तहत हमने जो कूपन्स हैं वो ट्रॉली जाके डिस्ट्रीब्यूट किए और कूपन लेके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, हमारी टीम उनसे पूछती है ये आइटम्स हैं इनमें से क्या क्या आपको चाहिए, वो सामान यहाँ से कलेक्ट करके और लेके जाते हैं। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं थोड़ा सा आप अगर संक्षेप में सारी चीज़ें दिखा सकें और समझा सकें। या मतलब सभी कुछ है, लाइक जैसे एक सुई धागे से लेके सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टूथब्रश हैं, साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, ऑयल है, शैम्पू है, मफलर्स, गर्म सूट हैं, ड्राई मिल्क है, सॉक्स हैं, वेस्ट हैं, शॉल्स हैं, सो मतलब ये सारा सामान, शूज़ पड़े हैं, कंबल्स हैं, उसके बाद टारपोलिन्स हैं, ये सारा सामान जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें या पीछे देख रहे हो वॉशिंग मशीन पड़ी हैं, गीज़र पड़े हैं देसी गीज़र्स, सो ये सारा सामान है जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, नेल कटर्स हैं, कंघी है, डेली रूटीन वाली सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो लोग हैं, किसानों की जो मांग है वो इन सभी चीज़ों से फुलफ़िल हो जाएगी?
देखो हम तो कोशिश कर सकते हैं, अब जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको अपना ही नहीं मालूम कि उनके पैर में चप्पल है या नहीं है, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा में काम करती है, जो लोगों के भले के लिए काम करती है, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो उन लोगों को सर्व कर रही है और हमारे आस है कि शायद उनको ये जो सर्विसेज मिल रही हैं, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे उनका जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ना हो पाए, या मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकें। कुछ चीज़ों को अगर दिखा सकें, आप समझा सकें तो बेहतर रहेगा थोड़ा। हाँ जी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनो पड़ी है, ऑडोमोस पड़ा है, यहाँ पे इजी पड़ा है, हिट पड़ी है, सॉक्स पड़ी हैं, ड्राई मिल्क है, ये वेस्ट पड़ी हैं, ये जो कछहरे पड़े हैं, ये अंडरवियर्स हैं, हीटिंग पैड्स हैं, ये सारा सामान हमने रखा हुआ है, साइजेज वाइज जूते पड़े हैं, ये सारा सामान यहाँ पे जो स्टोर किया गया, और लोग आते हैं और अपना फॉर्म दिखा के हमारे वॉलंटियर्स असिस्ट करते हैं उनको, तो वो लेके जाते हैं। तो क्या सिस्टम है यहाँ पे लोगों के आने का, और क्या एक प्रावधान बनाया गया है कि कैसे आदमी यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद फिर सामान? जैसे आपको बताया कि जो जो सामान कूपन बांटे हुए हैं, कूपन के अगेंस्ट ही उनकी रिक्वायरमेंट पता चलती है, रिक्वायरमेंट के बाद ही वो जो सिस्टम है वो सारा चलता है और सामान लेके वो जाते हैं। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है खालसा एड की तरफ से। ये एक संस्था है सिख लोगों की, जो गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कितने अच्छे व्यवस्था से सभी चीज़ों को सुसज्जित ढंग से रखा गया है और किसानों की मदद करने के लिए तत्पर है, ये सभी चीज़ें आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप सब लोग फ्री मॉल की केवल कल्पना किए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिख लोगों द्वारा इसको हकीकत में उतार दिया गया है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।